नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कर्नाटक में बीजेपी ने बजरंग बली को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। मोदी का मेगा रोड शो हो रहा है और सड़क किनारे कार्यकर्ता बजरंग बली की वेश में खड़े हैं। किसी ने भगवान हनुमान जैसा गेटअप बना रखा है तो किसी ने बजरंग बली वाला मुखौटा पहन रखा है। प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में बजरंग बली का नाम लेकर कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है। बीजेपी इसका जमकर विरोध कर रही है और इस विरोध का असर आज मोदी के रोड शो में भी दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो फुल स्पीड में बेंगलुरु की सड़कों पर जारी है। 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, लेकिन ना तो मोदी थके हैं ना ही समर्थकों के जोश में किसी तरह की कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो आज बेंगलुरु में हो रहा है। हालांकि पहले 36 किलोमीटर का रोड शो होना था, लेकिन एग्जाम को देखते हुए आज 26 किलोमीटर का रोड शो होना है। करीब 1:30 बजे तक ये रोड शो होगा, 2 रैलियां भी होंगी और बजरंग बली के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस पर प्रधानमंत्री अटैक करेंगे। कर्नाटक चुनाव में मोदी बार बार कांग्रेस को बजरंग बली का विरोधी बता रहे हैं। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है, ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वायदे। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र में क्या लिखा है, ये वापस ले लेंगे, ये हटा देंगे, वो निरस्त कर देंगे, उसे रोक देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये कर्नाटका की जनता को ये देने वाले हैं, यही इनका फोकस है। बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। तो प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की हर एक रैली में कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है। वहीं कर्नाटक चुनाव में सिर्फ बजरंग बली ही मुद्दा नहीं है, बल्कि धर्मांतरण की साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी का मसला भी मोदी अपनी रैली में उठा रहे हैं। मोदी के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया है। क्या कहा है ओवैसी ने, सुनिए जरा। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये
केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पर बनाई गई। अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे। और अगर देश के प्रधानमंत्री एक पिक्चर की स्टोरी को सही मान रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो आपकी नाकामी है, आपकी सरकार की नाकामी है कि आप अपनी नाकामी को कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यू हैव बीन अनसक्सेसफुल। मगर एक चुनाव जीतने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री वजीर आजम को इतना नीचे आना पड़ता है एक चुनाव जीतने के लिए कि झूठ और प्रोपेगेंडे को सामने रखना जो नफरत फैलाने का काम करती है। आपने ओवैसी को सुना, ओवैसी मोदी को मुसलमान विरोधी बताते हैं लेकिन बेंगलुरु के रोड शो में मोदी को देखने बड़ी तादाद में मुस्लिम भी पहुंचे। इनका कहना है कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने जो राहत दी उसकी वजह से वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए बहुत सारी महिलाएं आए हुए हैं और रोड शो में यहाँ पे कुछ लोग हमें देखने को मिल रहे हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या मकसद है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो आप? हम शरीफ नगर से आए हैं, सलमा नाम। किस लिए आए हो? एशनपुर, यहाँ बीजेपी के रोडिंग को। क्या नाम है आपका? हमें सलीमा, मेरा नाम सलीमा जी। क्यों आए आप? हमें मोदी जी को जिताने के लिए, वोट बीजेपी को डालने के लिए आई है ना। आप मुस्लिम हो, मोदी जी के बारे में कह रहे हो जबकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि मोदी जी तो मुसलमानों का ध्यान नहीं रखते। क्यों कहते तो हमारे अशोक नारायण नीच हम ना ये मलेश्वरम मान को अच्छा काम कर को है तो इसीलिए हमें अशोक नारायण को मिनिस्टर बनाने के लिए आकर ही। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है। आपका क्या नाम है? रिहाना। रिहाना जी क्यों आए हो आप यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आए हो लेकिन क्यों, आखिर क्या वजह? आखिर क्या वजह तो हमारा मलेश्वरम 45, 46, 47 है ना, उसमें हमारा अशोक नारायण फुल हमने सपोर्ट किया था। हम वैक्सीन के टाइम पर भी ये करे थे, कोरोना के टाइम पर भी हमने सपोर्ट करते थे, इसलिए हमें सभी मिलके राजेश रैना के कुदन से हमें सभी 47, 46 से आको ही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो ये कहते हैं कि पीएम मोदी कुछ नहीं करते। वो तो हमारे सामने तो नहीं करते ना, हमारे पीछे करते हैं ना। कौन किधर कर रहा, क्या वो पार्टी कर रहा है, क्या ये पार्टी कर रहा है, हमारा तो मालूम नहीं। हमारे बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में सही पूरा सही अच्छा चल रहा है। दिलचस्प है कि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पे हैं और वो ये बता रही हैं कि किस प्रकार से कोरोना में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किया, जिस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया, इन सारी चीजों को लेकर वो पीएम मोदी की प्रशंसक है। बिल्कुल, आपने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से प्रधानमंत्री को देखने के लिए मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बेंगलुरु से, जहां प्रधानमंत्री करीब 26 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। 3.5 घंटे का ये पूरा प्रोग्राम था, 1:30 बजे तक प्रधानमंत्री का ये रोड शो चला और देखिए कितने जोश भरे अंदाज में प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। काफी देर से प्रधानमंत्री का ये रोड शो हो रहा है, करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और कर्नाटक कितना अहम है बीजेपी के लिए इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर पिछले 4 महीनों की बात करें तो 10 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री का दौरा वहां पर हो चुका है। और देखिए यहां पर बजरंग बली की तस्वीर जिसको लेके सबसे ज्यादा इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग बली की तरफ हाथ जोड़ते हुए भी नजर आए। जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बजरंग दल को बैन कर देंगे, उसके बाद बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को कैश कराया और ये पूरी लड़ाई अब बजरंग बली की तरफ आ गई। इस रोड शो के दौरान बजरंग बली की एक मूर्ति भी रास्ते में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी को वहां पर प्रणाम भी किया। ये वही तस्वीरें देखिए किस तरह से फूलों की बारिश हनुमान जी की प्रतिमा पर की जा रही है। आज कई तस्वीरें हमने आपको सुबह से दिखाई जब लोग बजरंग बली की टी शर्ट पहनकर वहां पहुंचे हुए हैं, बजरंग बली का रूप धारण करके लोग वहां पर पहुंचे हुए, उनकी वेशभूषा में वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो अब ये पूरा मामला बजरंग बली तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी हर रैली में जय बजरंग बली के नारे के साथ ही शुरुआत की। सबसे पहले बजरंग बली का जयकारा प्रधानमंत्री लगाते हैं फिर शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, कर्नाटक के वोटर्स से अपील की कि जब आप वोट डालने जाएं तो बजरंग बली की जय बोलकर ही वोट डालें।
सीधी तस्वीरें हम आपको बेंगलुरु से इस वक्त दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब जो जय बजरंग बली तक ये पूरी लड़ाई आ चुकी है, अभी हमने एक तस्वीर भी देखी जब आप वहाँ की मुस्लिम महिलाओं से बात कर रहे थे। जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो ये बातें शुरू हो जाती कि वहाँ का मुसलमान किसे सपोर्ट करेगा, और जब प्रधानमंत्री कहीं पहुँचते हैं तो तस्वीरें अपने आप सब साफ कर देती हैं। ये पहले तो एक तस्वीर देखिए, जैसे मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं इनके पास बहुत सारे मुखौटे, जो कि बजरंग बली के मुखौटे, इनके हाथ में जो पताका अगर आप देखें तो वो पताका कोई चुनावी पताका नहीं, लेकिन चुनाव में रोड शो के दरमियान ये पताका लेके आए हैं। और उस पताका पर आप देखें तो बजरंग बली की तस्वीर, साथ साथ एक महिला भी हैं, इन्होंने भी एक पताका बजरंग बली केशरिया में पताका लेके आई हुई हैं। इसे हम बात करते हैं, सर बजरंग बली की पताका लेकर यहाँ क्यों? हम एक्चुअली सनातन धर्मों का मानते हैं सर, हम बेसिकली इंडिया का जो धर्म है मोदी जी आने के बाद में बहुत अच्छा चल रहा है, सनातन धर्म का हम लोग पालन करते हैं, सनातन धर्म को मान के चलते हैं हम। लेकिन ये बजरंग बली की जरूरत क्यों आ पड़ी, ये समझना चाह रहे हैं हम। बजरंग बली पहले तो देखिए सनातन धर्म का एक प्रतीक है, सनातन धर्म जो है वो हिंदू का एक प्रतीक है बजरंग बली, तो इसके लिए हम बजरंग बली को मानते चलते हैं सर। बजरंग बली एक सनातन धर्म का एक प्रतीक है, इसके लिए हम बजरंग बली को पालन करते हैं। लेकिन बजरंग बली का पालन तो ठीक है, लेकिन वो मंदिर में है ना पूजा पाठ के लिए, चुनाव में बजरंग बली क्या जरूरत? ये चुनाव का चिन्ह है नहीं है सर, ये देखिए हम लोग सनातन धर्म है ना, ये चुनाव का बात नहीं है। यहाँ पे मोदी जी आया, वो भी सनातन धर्म का एक इंसान है, हम भी सनातन धर्म है, पूरा इंडिया जो है पूरा हिंदुस्तान सनातन धर्म में, इसके लिए हम इसको लेके घूमता है। ये देखिए हम लोग माला पहनता है, ये भी हरे कृष्ण का एक धर्म है, ये इसको बोलता है तुलसी का माला है। कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल पे वो प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन बजरंग बली के खिलाफ उन्होंने नहीं। ये जो बात कांग्रेस ने बताया ना, मेरा ख्याल से ये एक इलेक्शन का मुद्दा का ऊपर है, लेकिन सनातन धर्म से इसे कुछ लेना देना नहीं है। वो जो बोलने वाला बहुत कुछ बोलता है उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के हम लोग आगे चलते रहेगा। ये बजरंग बली आप भी लेके आई हुई है, बजरंग बली की पताका क्यों? ये हमारा सनातन धर्म का प्रतीक है सर, वो जो हमारा सनातन धर्म को दबाना चाहते हैं ना, वो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हमें सनातन धर्म को रखना है। जय बजरंग बली, हम सनातन धर्म के लिए ये पार्टी में है सर। कौन दबाना चाहता है? कांग्रेस वाले है ना, उन्होंने तो ओपन स्टेटमेंट दिया है ना, हम लोग जब आया इसमें हमारा जो वोट में हम लोग क्या बोलते वो जीत के आ जाएंगे, तो हमारा पहला मुद्दा है हम बजरंग दल वालों का बैन करेंगे। वो कैसा है, वो क्या खा के चिल्टा फेंकने का, केला खा के चिल्टा फेंकने वाला नहीं हम बजरंग दल वाले। अच्छा मैम, आप कैसे देख रही हैं इस बार के चुनाव में? आपके हाथ में भी बजरंग दल का, बजरंग बली का मुखौटा है, कैसे देख रही हैं? ये मुद्दा अभी पोलराइज कर रहा है लोगों को। कांग्रेस को ये बात बोलना नहीं चाहिए था, प्रणा उनके जो मैनिफेस्टो में जो है ये बोलना नहीं चाहिए था। आपका कोई सेंटीमेंट हर्ट हुआ है क्या जी? आपका सेंटीमेंट हर्ट हुआ इस चीज से क्या सर? कांग्रेस के मैनिफेस्टो से आप लोगों का सेंटीमेंट हर्ट हुआ है क्या? वो तो कह रहे हैं कि हमने बजरंग दल की बात की है, बजरंग बली की बात नहीं कही। बजरंग दली और बजरंग दोनों एक ही है ना सर, वो दूसरा कैसे हो सकता है? जब बजरंग बली है तो बजरंग दल है। साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस वालों ने बजरंग बली का उन्होंने शोषण किया है, शनिवार मतलब 13 मई शनिवार है, जय हनुमंता जी, जय बजरंग बली जी, उनको नतीजा दिखाएगा, बीजेपी का बहुमत सरकार आएगा, ई बार या निर्धार बीजेपी या बहुमत सकारा, जय मोदी जी, जय बीजेपी, जय बजरंग बली की, जय सनातन धर्म की। सर देखिए, ये सेंटीमेंट आप देख सकती हैं कि किस प्रकार से बजरंग बली का इस्तेमाल इस चुनाव में हो रहा है, और ये इसलिए हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, और वहां पर बीजेपी ने इस मौके को लपकते हुए कहा कि जो संगठन बजरंग बली का अनुयायी है, अगर आप उस पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, उसकी PFI जैसे संगठन से तुलना कर रहे हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तो ऐसे में आपने बजरंग बली का अपमान किया। और ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है वो कोशिश लगातार दिख रही है यहाँ पे, मुखौटों में, पताका में, गेटअप में, हर तरीके से वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच से इस बात को कहें तो समझा जा सकता है कि बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को किस प्रकार से एक अवसर के तौर पर लपका है। जी देवेंद्र, चूंकि जैसे पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछा कि जब भी चुनाव होता है तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये बातें होने लगती हैं कि वहाँ का मुसलमान किसे सपोर्ट करेगा, जब प्रधानमंत्री मुसलमानों के हित में जो फैसले लेते हैं उसे दुनिया के सामने रखते हैं, वो भी हमने देखा,
तो चूंकि आप कर्नाटक में हैं, कर्नाटक के लोग प्रधानमंत्री के फैसलों को किस तरह से देखते हैं, वहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री की छवि है, बीजेपी की छवि किस प्रकार से है? और देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जैसे जो मुस्लिम महिलाएं हैं यहाँ पे, लाजमी तौर पे वो संख्या छोटी है, लेकिन वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि उस कम्युनिटी के बारे में जिसके बारे में अपोजिशन लगातार ये कहता है या बीजेपी नेताओं को के बयानों को लेकर हवाला दिया जाता है कि ये लोग इन्हें मुस्लिम या माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर माइनॉरिटी की महिलाएँ आकर ये कहें कि क्योंकि कोरोना में वैक्सीनेशन का काम बहुत अच्छा हुआ इसलिए पीएम मोदी को सपोर्ट कर रही हैं, तो एक प्रशासक के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के लिए ये बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन की बात हो सकती है। दूसरी चीज कि खुद पीएम मोदी के अपने नजरिए की बात कहें तो मुझे याद है कि दिल्ली में जब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, वो बैठक क्लोज डोर हुई थी, उस क्लोज डोर बैठक में भी उन्होंने ये कहा था कि आपको समाज के हर एक सेक्शन तक आउटरीच करना है माइनॉरिटी सहित, और वहां पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं राज्य में उनकी योजनाओं को लेकर जाना है, भले ही वो वोट करें या ना करें, आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि वो आपको वोट करते हैं कि नहीं करते, आपको वहां पे गवर्नेंस की स्कीम्स कर लेके जाना है, उन्हें फ़ायदा पहुंचाना है सरकार की नीतियों का। इससे ये तो समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बखूबी एहसास है कि भले ही इलेक्शन डिविडेंड के तौर पे, चुनावी डिविडेंड के तौर पे मुस्लिम वोट ना मिले, लेकिन एक तो प्रशासन के तौर पे उनको आपको प्रशासन के तौर पे उन्हें आपको फ़ायदा देना है, दूसरी चीज़ कि आज नहीं तो कल ये परिस्थितियाँ बदल सकती है। खासतौर पर आप देखें तो पसमानदा मुसलमानों को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा भी ड्राइव चला रहा है पीएम मोदी के निर्देश के बाद, तो वहाँ पर पार्टी को ये उम्मीदें हो सकती है, लेकिन इस चुनाव में माइनॉरिटी वोट बीजेपी के साथ जाए इसकी दूर दूर तक कोई संभावना किसी राजनीतिक विश्लेषक को नजर नहीं आएगी, खासतौर पर तब जब इतना एग्रेसिवली कैंपेन चल रहा हो बजरंग बली को लेकर। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रशासक के तौर पर ये एक सेटिस्फैक्शन की बात हो सकती है कि उस कम्युनिटी के लोग भी अगर आपके काम के चलते इतने बड़े प्रशंसक बने कि रोड शो में आकर दो घंटे इंतजार कर रहे हो कि आपकी एक झलक देखने को मिल जाए। और पीएम मोदी के लिए आप अगर माइनॉरिटी सेक्शन के लोगों से भी बात करें तो उसमें एक बड़ा समूह ज़रूर मिलेगा जो व्यक्तिगत तौर पर पीएम मोदी और उनकी नीतियों की तारीफ करता है, बीजेपी संगठन की भले ही आलोचना करे, बीजेपी के अन्य या फायरब्रांड नेताओं की भले ही आलोचना करें। बिल्कुल देवेंद्र, और पिछले कुछ चुनावों में वो हमने देखा भी है कि किस तरीके से जो माइनॉरिटी समुदाय है वो प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता है, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ही वोट डाला, भले ही राज्यों के चुनाव हुए हों लेकिन प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ही वोटिंग हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।